बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर आईटीआई। तो बच्चों आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आईटीआई का महत्व क्या है, हमें आईटीआई ही क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों इससे पहले जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट से रिलेटेड वह आपको बहुत आवश्यक जानकारी समय समय पर तभी मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार प्रमोद भाई। नमस्कार सुरेश भैया। क्या बात है प्रमोद भाई, बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताएं सुरेश भाई, छोटा बेटा सोनू इस बार 10वीं पास कर लेगा, अब वो किसी कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स में दाखिला लेने की जिद कर रहा है। मैंने उससे कहा कि ये क्या बेवकूफी है, किसी सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला ले लो, लेकिन मान ही नहीं रहा है, बस उसे डांट के आ रहा हूं अभी। ये तो अच्छी बात है प्रमोद भाई कि वो अपने रुचि की पढ़ाई करना चाहता है। मेरी बात मानो तो पास में ही आईटीआई में दाखिला दिला दो उसको। कैसी बातें कर रहे हैं सुरेश भाई, ये आईटीआई वाईटीआई की पढ़ाई हम लोगों के बच्चे नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वो अभी 10वीं में है और आईटीआई में दाखिला इंटर यानी 12वीं के बाद होता है ना। देखो प्रमोद, आईटीआई पास करने की अवधि 2 साल की होती है। कोई बच्चा कक्षा 8 पास करके आईटीआई का कोर्स करता है तो आईटीआई का डिप्लोमा तो मिलता ही है, और मात्र हिंदी का पेपर पास करने से हाई स्कूल की डिग्री भी मिलती है। अरे वाह। और ठीक इसी तरह हाई स्कूल के बाद 2 साल आईटीआई का कोर्स करने से आईटीआई डिप्लोमा मिलेगा, और यदि वो हिंदी का पेपर पास कर लेता है तो यूपी बोर्ड की इंटर की डिग्री भी मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आईटीआई में ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद हैं। अच्छा, और उसके बाद? और उसके बाद आईटीआई की तरफ से विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप के लिए किसी कंपनी में 1 साल के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसे काम करने का व्यवहारिक तरीका सिखाया जाता है और साथ ही कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद? और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नौकरी, प्रशिक्षित होने के कारण शुरुआत में ही अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है, और फिर आगे तरक्की ही तरक्की। और जिसे आगे पढ़ाई करनी हो वो साथ साथ बीए या बीएससी में आगे एडमिशन भी ले सकते हैं, यानी एक पढ़ाई से दो दो कार्य सिद्ध हो रहे हैं। लीजिए पापा, बन गई आपकी भाई। देखा आईटीआई का कमाल, 3 साल पहले आईटीआई की पढ़ाई पूरी किया था और आज महीने के 30,000 रुपए कमाता है। इस गाड़ी को बनाने के लिए 2,500 रुपए मैकेनिक मांग रहा था और मेरे बेटे ने जो है आधे घंटे में ठीक कर दिया इसको। पहले पता होता सुरेश भाई तो बड़े बेटे का सही समय पर आईटीआई में दाखिला करा दिया होता, किसी तरह पैसा इकट्ठा करके बीए करवाया था, 2 साल हो गए पूरा किए, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। अंकल अभी भी देर नहीं हुई है, छोटे का दाखिला उनकी रुचि के ट्रेड में करा दीजिए, फिर देखिए उनके हुनर को कैसे पंख लगते हैं। आईटीआई में कुल 70 तरह के ट्रेड हैं, जिसमें उनकी रुचि हो दाखिला ले सकते हैं। अब हमारे छोटे साहबजादे को ही देख लीजिए, बगल की फैक्ट्री में डेटा एंट्री ऑपरेटर है। ये भी आईटीआई? हाँ ये भी आईटीआई है।